ये कौन आ रहा है भाई? ए हीरो, क्या अकेले अकेले भाग दौड़ कर रहा है? मेरे साथ रेस लगा के देखना, ऐसा एक्शन दिखाएगा तू भी क्या याद करेगा बच्चों, हाँ? क्या बोलता है? अच्छा, लगता है तेरे को अपनी चार टांगों पर कुछ ज्यादा कमांड हो गया है। आजा फिर, रोटी खाने से पहले तुझे ही देख लेता हूँ, नहीं तो बाद में कहेगा कि चुटंकी ने रोटी शोटी खा ली थी इसलिए जीत गया है। ए चुटंकी यार, रोटी के नाम पर इमोशनल मत कर यार, अभी चालू करे क्या? अबे रुक, मुझे भी तो आने दे। ये तो गलत बात है, अभ्यास छुटंकी का हो रहा है या इस बेचारे सींगधारी का? अरे इसको 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 अचानक इतनी पावर कहाँ से आ गई? कहीं गुरुजी ने तो तुम्हारे पास आता हूँ ना तो अजीब सी पावर आ जाती है, ऐसा लगता है कि जैसे मैं सारे जंगल पहाड़ बिना थके ऐसे ही क्रॉस कर जाएगा मालूम, लेकिन बाद में सारी हवा निकल जाती है। ओ, कोई बात नहीं यार वारा सिंगे, अभी तू ना कल जाके राम राम गाल ले, फिर कल मिलते हैं, हैं? कोई बात नहीं, चल कल। अरे शरीर का अगर यही चल रहा ना तो शायद महीने बाद ही मिल पाएंगे, और वो भी शोर नहीं है भाई। अब इस तो बजरंग बली कोई शक्ति दे तभी कुछ हो सकता है। अरे यार, इधर कोई ना कोई चमत्कार तो होता ही रहता है, इससे पहले कि कुछ उल्टा हो जाए
इससे पहले चल चल पगली गली से कल्टी मार ले डियर बारा सिंगे। चुटंकी आज मेरे साथ तुम्हारे अभ्यास का आखिरी दिन था। आज के बाद तुम अपने आप अभ्यास करोगी ताकि तुम मुझ पर निर्भर ना रहो। वैसे भी अब तुम अपनी देखभाल स्वयं कर सकते हो। ओ गुरुजी, तो क्या आप मुझको छोड़ देंगे? हैं जी, मैं अकेला रह जाऊंगा। अरे बुद्धू, मैं तुमको छोड़ सकता हूँ क्या? जब भी तुम मुझे याद करोगे मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा, लेकिन हाँ अभ्यास के समय तो बिल्कुल नहीं। अपने ऊपर भरोसा करो, वही मनुष्यों की सबसे बड़ी शक्ति है, समझे चुटंकी? गुरुजी आपकी ना ये बात मुझे समझ नहीं आती है, ऑल ऑफ सडन गायब हो जाते हो। हाँ जी, किधर गए आप जी? चलो इनके चरणों की धूल अपने माथे में लगा लेता हूँ। बाबा कोई टेंशन है? अगर टेंशन है तो मैं आपकी हेड मसाज कर दूं। शट अप सुरीली। रुक लो। छुटके चूजे, जानता हूं तेरे अंदर बहुत सी शक्तियां हैं और तू कोई साधारण सामान्य बच्चा नहीं है, इसीलिए मैंने उस रात आज से 8 साल पहले तेरे बचपन को यहीं पर कैद करके रख लिया और उससे कई सारे पावरफुल क्लोन्स भी बना लिए। जब तक तू मेरी कैद में है मैं तेरे शरीर से पावर्स लेकर जितने चाहे क्लोन्स बना सकता हूं, लेकिन अफसोस उसमें जान डालने के लिए मुझे तेरे आज के शरीर की भी आवश्यकता है। आखिर कब तक छुपेगा तू? मेरे लोग तेरे वास्तविक शरीर को ढूंढ निकालेंगे, फिर मुझे और मेरी इस क्लोन फोर्स को कोई भी तबाही करने से नहीं रोक पाएगा, कोई नहीं रोक पाएगा। चिंता मत करो टकला बाबा, वो दिन भी जल्द ही आएगा। बस एक बार मुझे पता चल जाए कि वो कहां है, उसका शरीर मैं तुम्हारे पास खुद लेकर आऊंगी। ये तुम्हारी सुरीली का वादा है तुमसे। आहा, टेंशन मत लो ना। कैसे ले लूं टेंशन? अरे इस क्लोन फोर्स को बनाने का मेरा सपना पिछले कितने सालों से अधूरा पड़ा है, आज तक कोई भी इसके असली शरीर को नहीं ढूंढ पाया है। पता नहीं
इसे जमीन खा गई या आसमान निकल गया? ओह, मिल जाएगा बाबा, मिल जाएगा। जहां इतना इंतजार किया है वहां थोड़ा और सही। और फिर मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मुझे भी तुम्हारी कामयाबी देखने का शौक है, जब पूरी दुनिया तुम्हारे कदमों के नीचे होगी। और तुम मेरी बाहों में। अब क्या करूं, थोड़ा दर्द तो होगा ही, लेकिन जैसे ही तुम्हारा असली शरीर मिल जाएगा मैं तुम्हें इस दर्द और इस दुनिया से भी छुटकारा दे दूंगा, मगर तब तक ये सूरज और चंदा कहां मर गए? सूरज, सूरज! उसके लिए तो हमने पहले क्षमा मांग ली थी ना टकला बाबा।